ये गोभी टमाटर लाल भाजी है। फाइनली भाई कस्टमर आ रहे हैं, देख सकते हो। हाँ, एक किलो बाट हो गया। और फिर गोभी टमाटर और लाल भाजी, इसको मैं 20 रुपए का 8 दे रहा हूँ, आप 10 ले लेना, ठीक है। ये देखो भाई कस्टमर आ चुके हैं। अच्छा, बढ़िया साफ साफ ला। ओ छुआई छुआई माथा दाग लग सके ग्राहक मन के, दिन भर रीति रोती करते रहे। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का उजाला है भाई, फिर थोड़ा अंधेरा है, सनराइज हुआ नहीं है। ये देखो मेरे घर के बाहर का आसपास का माहौल, और कल का जो वेजिटेबल्स अपना बचा हुआ है ना, ये देखो इधर नीचे साइड है अपना, ये मेरा लाल भाजी है, इसमें इधर मेरा आलू है, इधर गोभी है, इधर टमाटर है, और ये इधर है भाई सब अपना मिर्ची। तो ये सभी को अभी मेरे को लेके जाना है बेचने के लिए। तो चलो अपना बाइक को निकालते हैं बाहर, वो अंदर है भाई, मेरा बाइक दिख रहा है, तो बाहर निकालते हैं और ये सब सामान को बाइक के ऊपर लोड करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो इधर अपना गाड़ी रेडी है भाई, फूल गोभी लाल भाजी और टमाटर और इसमें है मिर्ची, ये आइटम लेके जा रहा है मैं बेचने। तो देखते हैं अब कितने का बेच पाते हैं, प्लस कितना टाइम लगाते हैं भाई साहब बेचने में इन सब सब्जियों को। और थोड़ा सा उजाला भी हो गया है, ये देख सकते हो आप लोग, हल्का हल्का उजाला हो चुका है भाई। तो अभी चलते हैं अपन इधर इस साइड। चलो अभी आवाज़ मारते चलते हैं इधर ही से। ले गोभी टमाटर लाल भाजी धनिया मिर्ची है, ले गोभी टमाटर लाल भाजी धनिया मिर्ची है, ले गोभी टमाटर लाल भाजी धनिया मिर्चा है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ भाई यहाँ पास, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये देख सकते हो मेरा स्टॉपेज। चलो आवाज मारते हैं और सुन लेते हो। ले गोभी टमाटर धनिया मिर्चा लाल भाजी है। एक दरवाज़ा खुल गया भाई इधर से, ये देखो आप लोग। तो दोस्तों अभी कस्टमर आए थे भाई और ये देखो सब्जियां खरीदे हैं, प्लस अभी गए हैं पैसा लाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ भाई। तो चलो यहाँ से लेते हैं अपन पैसे, फिर उसके बाद चलते हैं भाई आगे इस साइड। तो दोस्तों वहाँ से सेल करने के बाद अभी मैं आया हूँ भाई यहाँ पास, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ का इलाका, और यहाँ भी कस्टमर का वेट कर रहा हूँ यार, बोलने सब्जी लेने आ रहे हैं इधर से, बोले कि थोड़ा सा रुको यार ऐसा करके। तो ऐसे ही होता है भाई विलेज पे, सुबह सुबह जब सब्जी बेचने जाओगे ना तो हर जगह ऐसे ही रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कस्टमर के आने का, प्लस ले सब्जियाँ ले के जाएंगे तो पैसा ले के आने का, तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है सुबह सुबह बेचने पे। लेकिन अगर सब्जियाँ जल्दी बिक जाता है तो अच्छा लगता है, और जल्दी नहीं बिकता तो भाई बोर लगने लगता है। देखते हैं अपन कितना टाइम लगाते हैं इसको बेचने पे। भाई कस्टमर तो अभी तक नहीं आया है, तो चलो उनके आने तक आवाज़ मारते हैं। ये गोभी टमाटर लाल भाजी है। फाइनली भाई कस्टमर आ रहे हैं, देख सकते हो। चलो आ गए भाई, देते हैं क्या क्या। तो कस्टमर आए थे चले गए भाई। यहाँ अपन ने 3 kg टमाटर लाल भाजी मेथी और मिर्चा बेचा, लगभग क्या पूरा 120 रुपए का सेल किया भाई। देखो कस्टमर चले भी गए इधर वापस। तो चलो अब इधर से चलते हैं अपन इस साइड चलते हैं अब इधर। तो चलो भाई आवाज मारते चलते हैं। ले गोभी टमाटर लाल भाजी है, ये गोभी टमाटर लाल भाजी है। दोस्तों अभी आए भाई यहाँ पास, और यहाँ आते ही कस्टमर मिल गए। ये देखो लाल भाजी की बिक्री शुरू, और यहाँ का इलाका देख सकते हैं आप लोग भाई, काफी मस्त शांतिमय इलाका है। तो चलो लाल भाजी सेल करते हैं। बाटे हो गए और हिर भाई, बस 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 हो गए। चलो दोस्तों 200 रुपए का सेलिंग करी यहाँ पास, देख सकते हो 200 का नोट मिला है अपने को। अभी चलते हैं इधर से अपन इधर आगे। चलो तो उधर से सेल करने के बाद अभी आए भाई यहाँ पास, ये देख सकते हो, और आते ही भैया आ गए हैं सब्जी लेने के लिए। उधारी का पैसा भी दिए मेरे को 40 रुपए देना भैया। टमाटर नहीं आ रहे हैं बोल रहे हैं भाई, ये देखो भैया और आ रहे हैं इधर से। टमाटर देना है, फूल गोभी देना है, लाल भाजी भैया का देना है, टमाटर और गोभी भाजी भाजी और टमाटर।
चलो भाई साहब भाजी देते हैं, लाल भाजी और टमाटर देते हैं भाई। कस्टमर आए थे भाई, चले भी गए ये देख सकते हो, और सब अभी गए हैं पैसा लाने के लिए इधर से प्लस इधर से, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ सबके आने का। तो दोस्तों अभी उधर से सेल करने के बाद अपन आए थे भाई यहाँ पास, ये देख सकते हो 6 बजे निकले थे और अभी 6:30 बज रहे हैं सुबह के। यहाँ पास मैंने टमाटर सेल किया 3 kg प्लस फूल गोभी सेल किया 1 kg। तो फूल गोभी देखो इतना भी फूल गोभी ज़्यादा बचे है, टमाटर थोड़ा सा कम है, आधा केट से भी कम, और लाल भाजी बहुत सारा बचा है। अभी चलो ये मोहल्ले से अपन चलते हैं भाई नेक्स्ट दूसरे विलेज की तरफ, जाना पड़ेगा इधर से। उधर सेल करने के बाद भाई यहाँ पास आए हैं और यहाँ देखो कस्टमर आ चुके हैं। क्या देने भैया? गोभी टमाटर। गोभी टमाटर और लाल भाजी वो भी चाहिए ना? इसको मैं 20 रुपए का 8 दे रहा हूँ, आप 10 ले लेना ठीक है। ये देखो भाई कस्टमर आ चुके हैं, तो चलो सब्जियाँ। तो दोस्तों अभी कस्टमर आए थे चले गए भाई, यहाँ भी मैंने लगभग 110 रुपए का सेल, यहाँ पास मैंने 110 रुपए का सेल किया और कस्टमर अभी चले गए। तो चलो इधर से अब चलते भाई नेक्स्ट आगे इस तरफ। आए हैं अपन यहाँ पास भाई, ये देख सकते हो कस्टमर आ रहे हैं, तो चलो यहाँ पास क्या क्या बिकता है देखते हैं। कस्टमर आए थे चले भी गए भाई, और यहाँ मैंने 90 रुपए का सेल करी, और यहाँ देख सकते हो अपना टमाटर ख़त्म हो चुका है, नहीं है भाई पूरी तरीके से टमाटर को मैंने फिनिश कर दिया। अभी अपने पास भाई साहब गोभी बचा है, फूल गोभी इतना सारा ये देखो, और लाल भाजी बहुत सारा बचे है, प्लस भाई साहब मिर्ची बचे है, ये देखो आप लोग मिर्ची बचे है। तो चलो अब इसको लेके चलते हैं अपन बेचने इस साइड, और देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं भाई। मैं निकल चुका हूँ भाई इधर दूसरे विलेज की तरफ अपना गोभी लाल भाजी और मिर्ची को ले। तो दोस्तों चलो अब यहाँ से आवाज़ मारते चलते हैं भाई अपन, ले गोभी लाल भाजी मिर्ची है, ले गोभी लाल भाजी मिर्ची है। तो अभी आए हैं यहाँ पास, और यहाँ आते ही कस्टमर मिल गए भाई देख सकते हो आप लोग, और यहाँ मेरे को गोभी देना है, लाल भाजी देना है, और गोभी को 30 बेच रहा था यार लेकिन नहीं बिक रहे ना, तो अब मैं गोभी को सेल कर रहा हूँ 20 रुपए। देखो बहुत सारा गोभी बचा हुआ है, और लाल भाजी को 20 का 8 दे रहा था, उसको 20 का 10 भाई, क्योंकि दो ही आइटम अपना बचा है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं बेचने पे, और अभी गोभी तोलते हैं भाई। दाई ले तो गोभी कितना ले बे हो? एक किलो। चखा चाचा बढ़िया साफ साफ ला, ओ छुआई छुआई माथा दाग लगते ग्राहक मन के ना, दिन भर रेती रोती कर बे तो रुक बे नीचे रखा चलो। ये एक किलो गोभी दोस्तों, अभी गोभी सेल कर लिया है देख सकते हो, और ये मिल गए अपने को पैसे 50 रुपए 2 किलो गोभी प्लस 10 का मिर्ची। अब चलो इधर से चलते हैं भाई आगे इधर। ले गोभी लाल भाजी धनिया मिर्ची है। तो अभी आए थे यहाँ, और यहाँ मेरा पूरा फूल गोभी खत्म हो चुका है देख सकते हो, अभी अपने पास सिर्फ लाल भाजी बचा है भाई इतना सारा, तो इसको और बेचना है। चलो देखते हैं कितना टाइम और लगाता हूँ लाल भाजी को बेचने पे, इधर चलते हैं भाई। अब दोस्तों अभी आए भाई यहाँ, और यहाँ देखो लाल भाजी अब एकदम थोड़ा ही बचा है भाई, 20 का लाल भाजी बेच दिए है, लगभग ये 30 रुपए के आसपास का और बचा है। और यहाँ देखो सुनील भी अभी मिल गया यार, क्या क्या रखे हो भाई? थोड़ा थोड़ा बचा है कल का, चलो बढ़िया है। चलो भाई अब लाल भाजी देखते हैं इतना बचे तो कितना टाइम लगाता हूँ मैं बेचने में। अभी देना है क्या लाल भाजी? लाल भाजी नहीं लेना है भाई हम लोग को, नहीं देना है तो क्या लेना है? 20 का 10 दे रहा हूँ भैया, आप 10 का 6 ले जाओ, 7 ले जाओ। चलो भाई चलते हैं अब इधर से आगे। तो अभी बज रहे सुबह 8:30, और अभी फाइनली पूरा सब्जी खत्म हो गया भाई देख सकते हो, यहाँ पास बेचा मैंने खत्म। अभी चलो यार अब इधर से निकलते हैं घर चलते। तो दोस्तों अभी ना सभी सब्जियाँ बिकने के बाद मैं वापस से जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और इधर का रास्ता देखो यार काफ़ी कच्चा वाला रास्ता है, आया था दूसरे रास्ते से लेकिन जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से, ये शॉर्टकट है। तो दोस्तों अभी सब्जियाँ बेच के मैं पहुँच चुका घर भाई, ये देख सकते हो सभी कैरेट्स खाली है, तो इनको चलो अभी रखते हैं घर के अंदर, और मैं जा रहा भाई नहाने, फिर नहा धो के वापस से जाना है अपने को मार्केट। तो अभी गाड़ी खाली करते हैं और नहाने चलते हैं भाई। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और अभी मैं नहा धो के नाश्ता करके रेडी यार वापस से मार्केट जाने के लिए, और अभी सुबह सुबह जो वेजिटेबल्स अपन लेके गए थे ना बेचने के लिए, तो उसमें अपन 800 रुपीज का लॉस में चल रहे थे भाई। तो जो वेजिटेबल्स था उसको मैंने सेल किया था 1500 रुपए, मतलब कि 700 रुपए का प्रॉफिट अपने को हुआ शुद्ध रूप से, और कुछ वेजिटेबल्स जो है उधारी पे भी गया 100-200 रुपए का, और 100-200 रुपए का अपने को उधारी जो था वो मिला भी, लेकिन अपने पास इन हैंड कैश जो है 1500 रुपए थे भाई।
तो शुद्ध रूप से 700 रुपए के प्रॉफिट मान के चलते, क्योंकि उधारी को अपन नहीं कैलकुलेट करते प्लस जो मिला है उसको, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे फिर मिलेगा फिर उधारी होगा, ऐसे रोटेट होते रहता है। तो कल वाले वेजिटेबल में मान सकते हैं 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और गाड़ी पे पेट्रोल भी लग गया होगा 50 रुपए का समथिंग, तो मतलब 650 रुपए का शुद्ध रूप से हो ही गया भाई सब। और अभी वापस से मैं जा रहा हूँ मार्केट सब्जियां लाने के लिए, तो देखते हैं भाई कि आज वेजिटेबल्स कौन कौन सा वेजिटेबल्स लेके आते हैं, प्लस आज का मार्केट कैसा रहता है। गाड़ी को मैंने निकाल लिया बाहर और उधर बहुत ज्यादा नॉइस है, तभी घर के पीछे साइड ब्लॉक कर रहा हूँ। तो चलो अभी इधर से निकलते हैं सीधा मार्केट।